Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will be covering the operations on mattresses, certain operations that are basically being performed on mattresses like addition, subtraction, multiplication, negative mattresses and so on. So hum ye sare operations jo mattresses mein perform hote, that we will be covering in this lecture. So let's begin. The first operation that we will be discussing is the addition of mattresses. Let's just start with a basic example ki aapko samajh aaye basically hum mattresses mein addition kyun perform karte hain. Okay, so let's assume we have two godowns, like godown A and another godown, that is B. हमारे पास दो गोडाउन्स हैं. In that particular godowns, basically there will be male workers and female workers as well. Okay, so male workers और female workers जो होंगे इन गोडाउन में, let us assume वो work करते हैं on the basis of certain product material. कोई material के basis पे वो work करते हैं. Like हमारे पास तीन materials हैं, cotton, silk and वूल. तो बेसिकली ये तीन मटेरियल्स जो होंगे वो इन्हीं मटेरियल से उस गोडाउन में वर्क होता है, उनका फैब्रिक से क्लोथ्स बनते हैं. सो इन तीन बेसिस पे बेसिकली हम डेटा क्रिएट करेंगे कितने नंबर ऑफ मेल वर्कर्स और कितने नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स प्रोडक्ट के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे वर्क करते हैं उन दो गोडाउन्स में. सो वी हैव मेल वर्कर एंड अ फीमेल वर्कर इन गोडाउन ए. सिमिलरली गोडाउन बी में भी मेल वर्कर एंड फीमेल वर्कर. और हमने बताया कि ये हमारे तीन कैटेगरीज के बेसिस में होगा. लाइक एज्यूम कर रहे हैं हम, ये एक सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं, कॉटन, सिल्क और वूल. तो लेट्स एज्यूम कि गोडाउन ए में कॉटन के बेसिस पे हमारे 20 मेल वर्कर्स वर्क कर रहे हैं और फीमेल है 5. सिल्क है हमारे, सिल्क के लिए मेल है 18, 7 और यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 11. सिमिलरली बी में हम एज्यूम करते हैं, गोडाउन बी में कॉटन के लिए मेल वर्कर्स वर्क कर रहे हैं 10, फीमेल है 10. सिमिलरली सिल्क के लिए है 9, 8, यहाँ है 13 और यहाँ है 17. ये हमने एक सिचुएशन कंसिडर करी. अब हमें एक प्रॉब्लम गिवन हो सकती है कि हमें बताना है एक्चुअली में कि कितने टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स और कितने टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स वर्क कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल. तो हमें इस बेसिस में हमें ये नहीं बताना कि कौन से ए गोडाउन में वर्क कर रहे हैं और कौन से बी गोडाउन में वर्क कर रहे हैं. हमें टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल वर्कर्स बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल. तो क्या करेंगे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, हम बेसिकली मैट्रिक्स एडिशन का परफॉर्म करते हैं जब हमें टोटल फाइंड करना होता है. तो हमें गिवन है तीन मटेरियल, कॉटन, सिल्क एंड वूल. हमें बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स वर्क करेंगे और कितने टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स वर्क करेंगे इसमें, रिगार्डलेस कि वो कौन से गोडाउन में वर्क करते हैं. तो हमें जस्ट सिंपली एडिशन करना है. तो मेल वर्कर्स कॉटन के बेसिस में ए में 20, बी में 10, तो कितने हुए 30, 15, 27, ऐसे समझ आ रहा है ना, 7, 8, 15, 21, 22, 28. तो हमने टोटल बता दिए कितने वर्क करेंगे. तो इसी बेसिकली इन्हीं सिचुएशंस के लिए जब हमें कुछ एडिशन कंसिडर करना होता है, मतलब कुछ टोटल फाइंड आउट करना होता है कुछ भी, तब हम मैट्रिक्स एडिशन का यूज करते हैं ऑपरेशन का. लेट्स एज्यूम एक एग्जाम्पल के साथ और समझने के लिए, बेसिक आपको इस सिचुएशन से ही समझ आ गया होगा, बट क्विकली और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्विकली एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि हमारे पास एज्यूम करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी गिवन है. इसमें हमें वैल्यूज हैं, हमें बताना है मैट्रिक्स ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी मैट्रिक्स बताना है. हमें सिंपली क्या करना है, एड करना है हमारे 2×2, 2×2 सेम ऑर्डर है मैट्रिक्स का, हमें सिंपली एड करना है 5 ± 1 4 2 1 5. हमारे पास मैट्रिक्स ए प्लस बी निकल गया. जस्ट वन मोर थिंग टू हाईलाइट एडिशन ऑपरेशन में, कि एडिशन ऑपरेशन हमारा मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है. मतलब अगर आप ए प्लस बी निकाल रहे हो, सिमिलरली अगर आप बी प्लस ए निकालोगे, जस्ट हम बी प्लस ए निकालते हैं, क्या होगा, -1 + 5 = 4, 2 + 0 = 2, 0 + 1 = 1, 3 + 2 = 5.
तो आप देख सकते हो ए प्लस बी और बी प्लस ए हमारा इक्वल आया, मतलब मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब ए प्लस बी जो है वो ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल है. ओके सो आपको आई होप एडिशन का ऑपरेशन समझ आ गया होगा ऑन मैट्रिक्स. नेगेटिव फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, हम जिससे हमें गिवन होता है एक मैट्रिक्स गिवन है 5 0 1 2, जिससे हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें इस मैट्रिक्स का माइनस ए बताना है कि इस ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें बताना है कि नेगेटिव ए क्या होगा हमारा, माइनस ए क्या होगा. बेसिकली आप समझो माइनस ए कुछ और कुछ भी नहीं है, माइनस ए बेसिकली हमारा एक मैट्रिक्स ए है जो हमारा माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है. तो अब आपको जब माइनस ए इसका निकालना है मैट्रिक्स का, कुछ नहीं करना, नॉर्मल मैट्रिक्स लिख दो, उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके हर एलिमेंट को नेगेट कर दो, नेगेटिव कर दो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, मतलब माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या आया हमारा माइनस ए, माइनस फाइव जीरो माइनस वन माइनस टू. ओके बहुत ईजी था. फोर्थ है हमारा द लास्ट ऑपरेशन, नॉट लास्ट बट इस वीडियो में लास्ट, इज द डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस. डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस इज नथिंग बट द सब्ट्रैक्शन. लेट्स टेक कि हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 3 1 0, बी मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 -2 -6 5, ये दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब कुछ और नहीं, हमें ए माइनस बी निकालना है. तो निकालते हैं ए माइनस बी, कुछ नहीं करना, नॉर्मल एडिशन में हम ऐड करते थे, मल्टीप्लीकेशन वाइज स्केलर में हम मल्टीप्लाई करते थे एलिमेंट्स को, डिफरेंस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 2 -3 इज माइनस वन, 3 -2 इज 3 + 2 हो गया 5, 1 -6 मतलब 1 -6, 1 + 6 हो गया 7, 0 -5 -5. ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इजी मतलब आपको समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ. ओके ए, मैं थोड़े माइनस के एलिमेंट ज्यादा ले रही हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो, बिकॉज अगर मैं सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव ले लूंगी तो आपको समझ आ जाएगा डायरेक्ट. 5 0 -1 2, ये गिवन है हमें एक मैट्रिक्स, बी हमें मैट्रिक्स गिवन है -2 1 -3 -4. ओके ये हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए माइनस बी निकालना है. तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके देती हूँ, 5 है -2 हुआ, 5 -2, 0 -1 -1 -3 -1 -3 2 -4, ये हमारे पास आ गया. अब हमें क्या करना है, निकालनी है एलिमेंट्स. 5 -2 मतलब 5 + 2, 5 -2 हुआ 5 + 2 7, 0 - 1 इज -1, -1 + 3 इज 2, 2 + 4 इज 6. तो a माइनस बी आपका निकल गया. ओके अब मैं एक बार आपको b माइनस ए करके दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा ये हमारा डिफरेंस जो है वो कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है. b माइनस ए, ओके -2 -5, 1 -0, -3 -1, -4 -2, -2 -5 is -7, 1 - 0 is 1, -3 + 1 is -2, and -4 - 2 is -6. तो आप देख सकते हो a माइनस बी और b माइनस ए हमारा सेम नहीं है, इज नॉट इक्वल. सो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, नहीं है. लेकिन आप ये देख सकते हो नेगेटिव अलग है, अगर आप इसका वो देख रहे हो माइनस पॉजिटिव का ही चेंज है, बाकी सब सेम है. तो ए माइनस बी को इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, माइनस को सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करोगे तो a माइनस बी आ जाएगा. तो आपको पता चल गया होगा कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है. तो हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता. सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस जो मैट्रिसेस में परफॉर्म होते हैं. आई होप इट इज क्लियर. अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन मेंशन द सेम ऑन द कमेंट सेक्शन. और नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन नॉन स्केलर वाला, जब हमारे ऑर्डर मैट्रिसेस के इक्वल नहीं है तब हम मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी और कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. ओके सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.